बिरचू काल है का है रेल है क्या हो गया नई बना रखे चाबी में बस तो काहे का ऐसी कम तेज करवाने के लिए था नहीं ए तू पहले ही ऐसी मारी रहे तो बटन मारी पागल है गलो भैया आंख ने खोल कर देखो रे काहे का ये मैं लिख कर दूं अगर ये निशान ना हो और ये दोबारा रीपेंट है मैं करूं कहां आई हो तो इसमें एलपीजी लगवा दे सीएनजी हटवा के डैडी कह रहे 4 दिन यूं चला ली बात एक दिन में ही नई गाड़ी बेचनी पड़ गई ऐसा क्यों कर रहे हो भाई बाहर आ चुकी है शोरूम से गैली 10% इसकी जो वैल्यू है वो कम हो चुकी है अभी भी इसको वापस घुसा सकते हैं आप चाहो तो भाई इसकी डिलीवरी हमने ले लिया अब लेके निकल गए इससे भाई सबसे पहले ये पूछ रहे हैं भाई इसमें माइलेज का कहाँ पे पता चलेगा भाई इसमें माइलेज का पता ही नहीं चलता है केवल पेट्रोल में बताती है तो एवरेज केवल पेट्रोल में बताती है सीएनजी में नहीं बताती तो इस बात का ध्यान रखना तो भाई कह रहे हमें पता कैसे लेकर कितने माइलेज दे रही एक डंडा इसका हमेशा कम ही रहता है इसमें बस प्रेशर आता है सीएनजी में और फुल भी जब भी करवाओगे तो यहीं तक आई कभी कल को वरी करो कि यार ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं आ रहा और ये आ रही है भाई पीछे पीछे थार ओ सॉरी क्रेटा यार पीछे थार यस चलो भाई पहुंच के पेट्रोल पंप पे और अब इसके अंदर करवाते हैं अपना पेट्रोल 3 लीटर जो उन्होंने दिया है अब तो इसमें सीएनजी फुल हुआ करेगी ओनली पेट्रोल इसमें यूरिया पूरिया नहीं डलती सीएनजी भी यहीं से भरती है भाई इसके अंदर ना ना। भाई बाल बच्चे होने के बाद बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी आ जाती है मुझे सोच सोच के ऐसे लगता है देखना ऐसे भरे रहते हैं बच्चे एकदम और इतना इरिटेट करते हैं ना अंदर तो देख लिया भाई इनको झेलना बड़ी मुश्किल है भाई भर दो 3 लीटर के बाद ऑटो कट लगवा दिया देखते कितने फुल होती है वैसे अच्छा ये होता है पेट्रोल फुल का फुल ही पड़ा रहेगा इसमें पता नहीं कब तक क्यों सीएनजी खत्म होती दी क्या पंप दी क्या वहीं भरवा ली भाई गाड़ी हमको मात्र 6 किलोमीटर चली हुई मिली है यानी कि लगा लो किसी ने चलाई नहीं वो वरना स्टॉक कई बार क्या होता है डीलरशिप टू डीलरशिप बंदे चलाते हैं ना कि भाई एक स्टॉक यार्ड से दूसरे स्टॉक यार्ड तक ही दूर दूर होता है तो नॉर्मली एवरेज 40-50-60 किलोमीटर तक चली हुई मिलती है लेकिन हमको 6 किलोमीटर मिली और भाई गाड़ी की जो फील आ रही है न्यू कार की जो फील आती है ना भाई वो नेक्स्ट लेवल ही होती है रियलिटी में और क्या स्मूथ भाग रही है पेट्रोल में सीएनजी में कुछ पता ही नहीं चल रहा अगर आंख में मेरे पे पट्टी बांध दे ना कोई तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि अभी ये पेट्रोल में है सीएनजी में और सबसे मेन फायदा अभी 2024 में लेने का भाई 4 सिलेंडर इंजन अपने को मिला है आने वाले टाइम में मारुति जैसे स्विफ्ट में कर दिया सब गाड़ियों में 3 सिलेंडर इंजन कर देंगे देखना चाहे बलिनो हो चाहे फ्रॉन्क्स हो सब में उनके वही क्योंकि माइलेज के पीछे मारुति पागल है और माइलेज तो इसमें अच्छी मिलेगी लेकिन भाई बहुत ही प्यारी चल रही है भाई गाड़ी फिलहाल तो ये देखो सीएनजी में और 11 किलोमीटर चल रखी है वो मैंने अभी 5 किलोमीटर हमने चला दी और ये स्विच करनी है ना अगर उसमें आपको तो इस बटन को दबा दो तो इंस्टेंट एकदम 1 सेकंड के अंदर अंदर पेट्रोल में स्विच हो जाएगी और आपको थोड़ी सी हल्की सी पावर अपग्रेड मिल जाएगी हल्की सी लेकिन इतनी भी पावर का करना क्या है तो इसको मैं दोबारा से सीएनजी पे डाल देता हूँ एकदम कचक की आवाज आती है ऐसे चक और एकदम से सीएनजी में अपग्रेड हो जाती है और हमारे पूरी फैमिली की भाई फर्स्ट कार है जो हमने सीएनजी में ली है वरना भैया ने पहले एक एलपीजी में भी रखी थी कौन सी गाड़ी वेग ना 800 एलपीजी में जो भाई पहले पे 2000 गाड़ी का ही सीएनजी सिलेंडर हुआ करते थे उसमें बदबू आती थी वह गैस की इसलिए सरकार ने वो बंद कर दी बैन कर दिया लेकिन थाईलैंड वगैरह इंटरनेशनल कंट्रीज में तो आज भी लोग एलपीजी गाड़ी चलाते हैं लेकिन इंडिया में भी सीएनजी पेट्रोल सिलेंडर में 350-400 किलोमीटर चले सिलेंडर 700-800 को भरे हो इसमें भी इतनी की आपको एवरेज मिलेगी लगभग ऑरेंज वो अपने पापा से पूछ रहे पापा इस गाड़ी का नाम क्या है तो पता चल रही स्टार्ट है
पता चले, थोड़ी बहुत देख करते वादी करती ना पता चल रही भाई। देख लो भाई पेट्रोल में जब भी पता चल जावे ओ कितनी तेज लेकर जा रहा है। ओ भाई यार हद कर दी, ओ कितनी तेज चलावे गाड़ी है। मैं तो इसको हल्का ड्राइवर समझता था, ये तो थोड़ा रेस है। अलॉयज का भी सोचेंगे भाई, अलॉयज के ऐसे रिक्वायरमेंट है नहीं इसके अंदर। ये भी व्हील कैप्स अच्छे दे रहे हैं कंपनी बेस मॉडल से भी। मुझे बस इसका ये वो लगता है कि इसके अंदर ना कनेक्टिंग लाइट तो जरूर से होनी चाहिए। और भाई अपने दोनों ब्रांड न्यू रथ जो अक्टूबर के महीने में जिन्होंने दोनों ने अपना जन्म लिया है भाई, कितनी मस्त लग रही है भाई देखना। हालांकि महिंद्रा का जो कलर है ना थोड़ा क्लियर व्हाइट साइड पे जाता है, एवरेस्ट व्हाइट बुलाते हैं। इसका मारुति वाले थोड़ा पीला पीला सा सॉलिड व्हाइट एक तरीके से यूज करते हैं। ये मान लो जैसे फॉर्च्यूनर में आता है ना दो कलर ऑप्शन आते हैं व्हाइट, ये उनका सॉलिड व्हाइट है। फॉर्च्यूनर का वो पर्ल व्हाइट है, 15-20 हज़ार रुपए वो महंगा पेंट होता है, थोड़ा सस्ता होता है। और एक और चीज बताता हूँ मैं कंपनियों की पेंट से मेरे को याद आई, जैसे ये मेटालिक कलर है महिंद्रा का, जब आप खिड़की खोल के देखोगे तो आप अंदर मेटालिक नहीं मिलेगा, सॉलिड व्हाइट कलर मिलेगा। ये कंपनी की कॉस्ट कटिंग होती है थोड़ी थोड़ी, आपको इन कैमरा समझ नहीं आ रहा होगा बट आप बाहर से देखोगे क्योंकि शो करना है कंपनी को केवल बाहर बाहर, लेकिन अंदर वैसा रफ सा पेंट होता है क्योंकि उनको पता है भाई कोई नहीं देखने वाला, तो वो इस तरीके का पेंट लगा देते हैं उसमें जिससे कुछ पता ही ना चले। लेकिन एक ऐसा हो गया टोरिया मारने के लिए, हवाबाजी मारने के लिए मस्त वाली गाड़ी, और एक ऐसा हो गया कि भैया जब थोड़ा जेब माई है थोड़ा बजट कम है, कोई खेत वेत प्लॉट ले ली हो और उस टाइम पैसे बचाने की मजबूरी हो, तो उस टाइम पे फ्रॉम से बढ़िया गाड़ी कोई भी नहीं होगी। कौन सी गाड़ी बढ़िया लग रही है? तो इल्ली वाली दोनों सेम रेट की लाए हैं यार हम। तो भाई देखना कितनी क्यूट लग रही है दोनों कार। और भाई भाई ने तो ईवी के लिए भी एक बार तो इतना जोर लगाया था ना। हाँ पूरा लगाया मैंने, तो ईवी लाऊंगा फिर समझ में यार चार्जिंग के ऊपर फिर दिक्कत ही रहेगी क्योंकि इनकी पर डे की ना 100 से 150 किलोमीटर की रनिंग है, कई बार 200 भी हो जाती है पर डे। तो एक पेट्रोल क्रेटा जैसी गाड़ी में तो भाई ये नॉनसेंस चीज है वो लेनी, या तो ईवी या सीएनजी। अब हमारे गांव में आ चुके हैं हम लोग भाई, अब वो करवाते हैं चलो इसकी पूजा पाठ। आप कहाँ से ले रही हो के पीछे पागल है रे? कहाँ से ले रही हो? कहाँ आई है? हम पहले भी देखने गए थे भाई, तब भी बस वैगनार वो दिखती है, लेकिन हमने भाई बहुत अच्छी है गाड़ी चलाई है। देखना कहीं लेके जाओगे तो कोई सलाम ठोकेगा दूर से। सिलेरियो से भाई लगभग 2.5 लाख रुपए महंगी है गाड़ी, लेकिन दो टोटल बढ़ता है। जब आप चलाओगे ना तब आपको ये लगेगा कि हाँ भाई गाड़ी अच्छी है। 2 लाख के लगभग फर्क है, लेकिन गाड़ी खर्चा जाता है एक दिन में ही, नई गाड़ी बेचनी पड़ गई ऐसा क्यों कर रहे हो? पसंद नहीं आई क्या? ऐसा क्यों कर रहे हो? मत बेचना, ये तो सही है वाकई कह रहा हूँ भाई। हम सीएनजी का मजा चखेंगे और जो चौक खाली पड़ा था इसमें वो गाड़ी नहीं भर देंगे। रेडी कहीं आपको उसमें क्रेटा में भी ना लगवानी पड़ जाए सीएनजी। कभी इतना मजा चख लो आप कभी सीएनजी का। क्रेटा में ना लगवाऊं, ब्रेजा लाऊंगा जनवरी में। अब ब्रेजा भी लाओगे? वहां निकाल के क्रेटा निकाल दियो है ना, क्रेटा निकाल के ब्रेजा लाओगे? 43 नंबर लियो फिर वहां को। यार डैडी ऐसे मत करो, 44 ले लो, 43 में 44 नंबर सही। वाक नंबर ही ना दूंगा मैं नंबर ना दूंगा। ऐसे नहीं हो सकता, अगर चंडीगढ़ से कटा होता ना तो वो नंबर रिटेन कर सकते हैं, ये वाला नहीं कर सकते। ना ना जस्ट चोरी नंबर तो कोई नो डैडी जी नो। अरे जा हम बता रहे हैं ना, हमें पता ना क्यों आ ना सके। नहीं वो वाला रिटेन नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। डैडी ना देंगे अथॉरिटी तो वो नंबर। डैडी आपके कितने पोते हो चुके हैं फिलहाल मार्केट में?
मौज है बिरचू काल है काय रेल है क्या हो गया क्या मैं काम कहाँ कहाँ करवाना हूँ डैडी तो लोग वो तो करवाना ही पड़ेगा तो वो तो लोग तो लगवा ही पड़ेगा लगवानी है बड़ी तारो ना रहे अब तारो ना है तार लगाओ वो लगाना पड़ेगा इसमें बार जिम्मेदारी आई की अन्नू की ये बार अच्छा डैडी आप एक अपना एलपीजी का एक्सपीरियंस बताओ एलपीजी कैसी चलती थी जो आपके पास पहले थी तो इसमें एलपीजी लगवा दो सीएनजी हटवा के और 300 किलोमीटर चले कर रहे हो वो एक डब्बा में एक सिलेंडर में 400 की एवरेज होते ऊपर ऊपर जाए ना ना कुछ भी ना पीडीपी भाई भाई पीडीपी भाई पास तो कितनी आवेगी गाड़ी ना ना 1% भी ना आवेगी हां भाई हमें भी पता है काट लेना आ जाए कुछ आप एक हजार और कटेंगे हैंडल तो अच्छे तो लग रहे हैं वो लगवा दे राजा महाराजा मारे जो गेट में अरे ना वो लगेंगे सिल्वर से कलर लगवा देंगे जैसे हम लग रहे अरे वे जो घर के दरवाजे पे ना रहे ऐसे मारे गोल्डन कलर तो, कैसे सबसे मेन तो दिक्कत वो है डैडी चाबी तो चाबी करनी पड़ेगी ना ना मैं ना करूंगा ये देख लो कैसे निशान अरे लो देखो ऐसे उंगली से वो करो अरे ये तो कुछ परमानेंट नहीं और कर निशान पे हो जाएगा ये भाई जो बगा बग कर कर देन अरे ये बगा बग भी कर गई अब ना कुछ ऐसे कहां लग गया अब अरे हो जाएगा ये हमें रंग मार रहा है दिखना रहे तो वो क्यों रंग मारेंगे अरे ये रंग मार रखे हैं ना देख ले वो क्यों मारेंगे रंग देख ले लो डैडी हट गई लो आप भी ना कहीं बात तो मानो ना कहां हट गई लो हट को गए पागल है गलत तो आप पागल है गलत ये आंख न खोल के देखो रे काय के मैं लिख कर दूं अगर ये निशान ना हो और ये दोबारा पेंट रीपेंट है ये रीपेंट है ये रीपेंट नहीं है एक बार करके देखना साफ खूब कर लीजिए तो मैं साफ अगर 1000 रीपेंट है हैं रीपेंट है ये ऊपर ब्रश ब्रश लगा रखा होगा अरे नहीं ए डैडी आप मजा लो मार्केट में खामा खाएंगे यू वैसे हट को गए ले तुरंत हट को रीपेंट है कुछ चिपकाए होंगे जैसे फिर बांधे हैं ना भाई ये कुछ ना बाकी आगे कुछ पकी रीपेंट होता तो पूरा ही रीपेंट होता ना चाबी तो लॉक होगी चाबी तो खुलेगी मैं बात आप यू ही बात तो समझा रहा हूं और कसम जा रहा हूं सुधार दूं साले के यार लूट लूंगा अरे लो देखो ऐसे है सिंपल है आओ इसमें इतनी क्या रॉकेट साइंस है देखो देखो ये ऐसे लॉक हो गई ऐसी कम तेज करवाने के लिए पहले ही ऐसी मारी रहे तो बटन मारी डमी है भाई हम क्या करते 15-20 हजार जरूरी तो लेनी तो कितनी देर लगे आजकल मार्केट में अलग ही लेवल का फैशन चला है भाई वाओ टपकना ना सही है लगा पामन ने वाह 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 बहुत अच्छे टिटपोने इतने टिटपोने करो डैडी टिटपो बना रहे खुशी रहे आप भी ना हर चीज आपको ओवर एक्टिंग ही लगती है डैडी नोटी बॉय वो नोटी ये जवानी में सोचो कितने नोटी होंगे छेड़ देते होंगे राह चलतियों को ये लो ये लो अरे मिठाई भी है क्या मार्केट में ओ जय हो बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद ले वादा का फल है ऐसे ही नई नई गाड़ी घर में आती रहे हमारे घर में और आप सबके घर में भी ऐसी आती रही भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुबारक देने के लिए एडवांस में अजीत भाई की तरफ से मैं थैंक यू बोल दे रहा हूँ अभी हमें बिडिंग बिडिंग होकर ना देखियो एकदम धन हो जाएगा अभी जो दो हैंडल वगैरह हैं थोड़े से कैसे लग रहे हैं बर्फी ने कहा ताली भाई देखो कितनी अच्छी लग रही है भाई वाओ कुछ कुछ पलेनो जैसी ना हाँ आप उससे एक लाख महंगी है पलेनो सही है मतलब लुक में जैसे बोनट पे थोड़ा कट से ऐसे भाई कैसी लगी हमारी चॉइस आपको सीएनजी के अंदर 9 लाख रुपए में ये वाली गाड़ी कमेंट्स में जरूर बताएं और आप सभी के अच्छे अच्छे गुड कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच